जी हाँ दोस्तों, राजकोट में श्रीलंका को तीसरे और अंतिम टी20 मैच में 91 रनों से हराते हुए 3 मैचों की सीरीज भारत 2-1 से अपने नाम कर ली। दोस्तों, टीम इंडिया ने इस मैच में पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेट पर 228 रनों का बड़ा स्कोर हासिल किया। इसके लिए दोस्तों, भारत के सूर्य कुमार यादव ने तूफानी अंदाज में खेलते हुए अपना तीसरा टी20 अंतर्राष्ट्रीय शतक जमाया। श्रीलंका की टीम जवाबी पारी में खेलते हुए 147 रन बनाकर आउट हो गई। दोस्तों, टॉस जीतकर पहले खेलते हुए भारत ने ईशान किशन के रूप में अपना पहला विकेट गंवा दिया। वह 1 रन बनाकर चलते बने। उनके बाद राहुल त्रिपाठी खेलने आए और तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले का फायदा उठाया। त्रिपाठी 16 गेंदों में 35 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद सुमन गिल और सूर्य कुमार यादव ने तूफानी अंदाज में खेलते हुए श्रीलंका के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दीं। सुमन गिल और सूर्य कुमार यादव के बीच तीसरे विकेट के लिए शतकीय भागीदारी हुई। इस दौरान गिल 46 रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि यादव क्रीज पर बने रहे और धुआंधार अंदाज में खेलते हुए 45 गेंदों में शतक पूरा कर दिया। वह 51 गेंदों में नाबाद 112 रन बनाने में सफल रहे। इस दौरान सूर्य कुमार के बल्ले से 7 चौके और 9 छक्के आए। अक्षर पटेल ने भी 9 गेंदों का सामना करते हुए दोस्तों नाबाद 21 रन बनाए। इस तरह भारत ने 5 विकेट पर 228 रनों का स्कोर हासिल किया। दोस्तों, आपको बता दें, जवाबी पारी में खेलते हुए श्रीलंका ने तेज शुरुआत की, लेकिन बाद में विकेट गंवाए। कुशल मेंडी 23 और निशंका 15 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद अविष्का फर्नांडो भी 1 रन बनाकर चलते बने। यह सिलसिला यहां नहीं रुका। असलंका 19 रन और धनंजय डी सिल्वा 22 रन बनाकर चलते बने। इस तरह श्रीलंका की स्थिति खराब हो गई। हसारंगा को 9 रन के निजी स्कोर पर उमराल मलिक ने आउट कर दिया। अंत में श्रीलंका 137 रन पर सिमट गई। भारत के लिए अर्शदीप ने 3 विकेट झटके, चहल, उमराल और पांड्या ने 2-2 विकेट झटके। आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, क्या यह सीरीज पांड्या की वजह से जीती गई है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।